भूत पिशाच निकट नहीं आवै। महावीर जब नाम सुनावै, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसी के साथ आप सभी को हनुमत जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को हनुमान जन्मोत्सव के बारे में जरूर पता होगा कि हनुमान जी महाराज एक चिरंजीवी हैं, इसलिए वे आज भी धरती पर मौजूद हैं। इस कारण से उनकी जयंती ना मनाकर हम लोग उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि हम लोग हनुमान जी का जन्मोत्सव किस कारण से मनाते हैं, आखिर क्या हुआ था इस दिन, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने के पीछे का कारण क्या है। धर्म ग्रंथों के अनुसार बात है तब की, जब हनुमान जी बाल्यावस्था में थे, तब उन्होंने भोजन की लालसा में सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया था। जब इंद्र देव ने उनसे सूर्य देव को मुंह से बाहर निकलने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया और इस कारण से इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने जाकर हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया जिससे वे बेहोश होकर गिर गए। यह देखकर सब देवता क्रोधित हो गए, खासकर पवन देवता, और उन्होंने समस्त संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया था। इसके बाद भगवान ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने अंजनी पुत्र को दूसरा जीवन दिया और उन्हें दिव्य शक्तियाँ भी दी। यह घटना चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन घटी थी, तभी से इस दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में इस दिन को मनाया जाने लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार वीर हनुमान का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माता अंजनी की कोख से हुआ था। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय कई तरह के शुभ संयोग बने थे जिनका बनना बहुत दुर्लभ माना जाता है। तो ये थी कुछ खास जानकारी हनुमान जन्मोत्सव के बारे में जो हम मनाते हैं। वैसे हनुमान जी महाराज आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप लोग